अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर इस्माइल और आप देख रहे हैं ई टेक ऑनलाइन। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि सीरीज पैरेलल कनेक्शन क्या हैं और किस तरीके से होते हैं, क्योंकि यूपीएस सिस्टम, इन्वर्टर सिस्टम ये मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ जगहों पे उनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती है, तो हर सिस्टम के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से कनेक्शन किए जाते हैं। तो कुछ कनेक्शन होते हैं पैरेलल में, कुछ कनेक्शन होते हैं सीरीज़ के अंदर। पहले बेसिकली देखेंगे कि सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन है क्या, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली जो है ना सोलर पैनल्स पे सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन करके दिखाऊंगा। सीरीज़ कनेक्शन का मकसद है कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ अटैच होगा, ठीक है। दो सोलर पैनल हैं तो एक सोलर पैनल का पॉजिटिव दूसरे पैनल के नेगेटिव के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दो पैनल आपस में एक हो जाएंगे, और सीरीज़ करने से क्या होगा कि जो उसके वोल्टेजेस होंगे वो दोनों के मिला के प्लस हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर इस पैनल के जो है 150 वाट का पैनल है, इसके अराउंड 20-21 वोल्ट हैं, तो जब दो पैनल्स को आपस में मिलाएंगे तो इनके वोल्टेज हो जाएंगे अराउंड 40। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इनको जो है, इन चारों पैनल्स को जो 150 वाट के चारों पैनल्स हैं, इनको आपस में पहले सीरीज़ करके दिखाता हूँ, फिर पैरेलल, ठीक है। पैरेलल को आपको बता दूं कि पैरेलल में क्या होगा कि सारे पॉजिटिव दो पैनल हैं तो दोनों पैनल के पॉजिटिव आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। दोनों पॉजिटिव आपस में जॉइंट होंगे और दोनों पैनल के नेगेटिव आपस में जॉइंट होंगे। इसी तरीके से तीन प्लेटें, चार प्लेटें, तो सारों के पॉजिटिव जो है वो आपस में कनेक्टेड होंगे और सारे पैनल्स के नेगेटिव आपस में कनेक्टेड होंगे, तो ये हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि आपके वोल्टेजेस जो हैं वो पर पैनल के, अगर चार पैनल हैं तो जैसे सीरीज़ में एक पैनल के वोल्टेज हैं 20, दो के हो जाएंगे 40, ठीक। पैरेलल में इस तरीके से होगा कि इनके एम्पियर हैं 8-8.5 एम्पियर का एक पैनल है और वोल्टेज हैं 20, तो जब पैरेलल में करेंगे तो इसके वोल्टेजेस दोनों के सेम ही रहेंगे और जो करंट है एम्पियर वो प्लस हो जाएंगे आपस में, मतलब एक पैनल के 8 एम्पियर है तो दो को मिला के वो 16 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर तीसरा पैनल पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इसके साथ तो एम्पियर और बढ़ जाएंगे, वो 24 हो जाएंगे, और अगर चौथा कनेक्ट करेंगे तो वो 32 एम्पियर हो जाएंगे। सेम पैनल्स, वोल्टेजेस पैरेलल में वही रहेगा जो एक पैनल का होगा, और पैरेलल कनेक्शन मतलब सारे पॉजिटिव आपस में मिलेंगे और सारे नेगेटिव आपस में मिलेंगे, और सीरीज़ में ऐसे होगा कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, फिर दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, इस तरीके से कनेक्ट होते जाएंगे। चाहे आप तीन पैनल कनेक्ट करते हैं या चार पैनल कनेक्ट करते हैं, वो आपस इसी तरीके से बेसिक फंक्शन है। सीरीज़ में एक का प्लस और दूसरे का माइनस आपस में कनेक्टेड होंगे, और पैरेलल में सारे पॉजिटिव आपस में मिले होंगे और सारे नेगेटिव आपस में मिले होंगे। तो सोलर पैनल का तो डेमोंस्ट्रेशन मैं अभी आपको यहाँ पे देता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, और फिर आपको वोल्टेजेस भी दिखाऊंगा जब सीरीज़ में करूँगा, तो दिखाऊँगा कि करंट कितना बड़ा है या नहीं बड़ा और वोल्टेजेस कितना बड़ा है या नहीं बड़ा, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सीरीज़ करने से वोल्टेज इंक्रीज़ होते हैं और पैरेलल कनेक्शन करने से अब हमारे एम्पियर जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, करंट इंक्रीज़ होता है। लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको दिखा दूं कि ये पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड जो है पॉजिटिव है, सारे चारों पैनल्स के लेफ़्ट साइड पॉजिटिव है, ये राइट साइड जो मेरे राइट साइड पे हैं ये वाले, ये नेगेटिव हैं। तो पहले हम करते हैं सीरीज़ कनेक्शन। अब सीरीज़ कनेक्शन करने का सिंपल ये है कि हमने क्या करना है, अब इसका पॉजिटिव हमने छोड़ दिया है, ये यहाँ पर छोड़ देते हैं, अब इसका नेगेटिव और दूसरे पैनल का पॉजिटिव आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट हो गया इस तरीके से,
जब थोड़ा नज़दीक करूँ इनको आपस में, लेकिन ये वायर छोटा है, इसका दूसरा पीस कनेक्ट करता हूँ इसके साथ। ये कनेक्ट हो गए। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पैनल का पॉजिटिव फ्री है और फोर्थ पैनल का नेगेटिव जो है टर्मिनल, ये फ्री है। अब ये हम अगर हमारे सिस्टम में अगर हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो जब हम इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव उस फर्स्ट पैनल के पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा, फिर हम कनेक्शन जो है वो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं सीरीज कनेक्शन, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ मिलेगा, इससे हमारे वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होंगे। और कनेक्शन आप देख सकते हैं एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। ये वायर दोनों आपस में छोटी थी तो मैंने एक पीस लेके दोनों को कनेक्ट किया। अब इस पैनल का नेगेटिव साइड फ्री है, और इस पैनल का पॉजिटिव। अब इस पैनल के नेगेटिव साइड को मैंने इस वायर से कनेक्ट इसलिए किया है ताकि मैं नज़दीक बैठ के वहाँ पे जो है वोल्टेज इसके चेक कर सकूँ। वो पॉजिटिव वायर पैनल का उस साइड पे है और नेगेटिव को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया है इस वायर के थ्रू, और अब वो वहाँ पे जो है वो नज़दीक पहुँच चुका है, तो वोल्ट मीटर के थ्रू इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि सीरीज करने के बाद इसके वोल्टेज क्या हैं। तो अभी हम ये शो कर रहा है 81.4 81.5 वोल्ट, तो मतलब है 20-20 चारों को मिला के एक्चुअल वोल्ट इनके हैं 21.60 पर पैनल के हैं। तो इस हिसाब से इसके टोटल वोल्टेज जाके बनते हैं 85 से ऊपर, लेकिन अभी ये हम चारों को सीरीज करने के बाद 81.2 वोल्ट बता रहा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उस पर। आई होप कि आपको बिल्कुल सही से नज़र आ रहे होंगे, 81.0 81 वोल्ट शो कर रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सीरीज से जब सीरीज करेंगे तो वोल्टेज बढ़ेंगे। तो अब हम इसे करते हैं पैरेलल। ये चारों 150 वॉट के जो पैनल है इनको आपस में पैरेलल करते हैं कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन करने के बाद वोल्टेजेस वही जो एक पैनल के होंगे 21 या 20 वही रहेंगे, लेकिन इसके जो करंट है वो जिस तरीके से सीरीज़ में वोल्टेज ऐड होके चारों पैनल के आ गए, इसी तरीके से पैरेलल में चारों पैनल के एम्पियर जो है वो प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे आपस में, और एम्पियर करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब हम कनेक्शन को करते हैं पैरेलल। फिर से पैनल्स को करूँगा डाउन। अब इनको पैरेलल करते हैं। पैरेलल में मैंने आपको बताया था कि सारे पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, और सारे नेगेटिव जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगे। ये दोनों पॉजिटिव आपस में कनेक्ट हो गए इस वायर के थ्रू, इस रेड वायर के थ्रू।
यहाँ से पहले ही एक लूप बना हुआ है, इसको खोल के इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब आपने देखा कि सारे पॉजिटिव आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब एक और वायर का पीस लेंगे, उसमें हम सारे नेगेटिव आपस में मिलाएंगे। तो अब चारों पैनल के टर्मिनल, जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपस में मिले हुए हैं और चारों पैनल के पॉजिटिव इस वायर, इस रेड वायर के थ्रू आपस में मिले हुए हैं। अब दोनों का जो है वो ये पॉइंट जो है हम इन्वर्टर तक या कंट्रोलर तक लेके जाएंगे। अब पैनल्स को वापस उठा देते हैं। पैरेलल कनेक्शन, अब चारों पैनल्स को जो है हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। सारे पॉजिटिव आपस में मिलाए हैं और सारे नेगेटिव आपस में मिलाए हैं। और पहले हमने किया था सीरीज, जिसमें एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ कनेक्ट हो रहा था, ठीक है। इसी तरीके से उसके वोल्टेज इंक्रीज हो रहे थे सीरीज में। अब क्या है कि प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस, ये प्लस सारे आपस में कनेक्टेड है, माइनस सारे आपस में कनेक्टेड है, तो इसके पैरेलल कनेक्शन कहलाता है ये। और इसमें क्या होता है कि वोल्टेज वही रहते हैं जो एक सिंगल पैनल के होंगे, वोल्टेज वही सिंगल पैनल के होंगे, लेकिन करंट चारों पैनल्स का मिल के जो भी आउटपुट आ रहा होगा वो अभी देखते हैं कि कितने एम्पियर शो कर रहा है। पैरेलल में करंट एम्पियर इंक्रीज होते हैं। लेट्स सी, आई होप कि आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, 20.06 वोल्टेज। यह पैरेलल कनेक्शन है तो इसमें हमें वोल्टेज वही आएंगे जो एक पैनल के वोल्टेज होंगे। पहले हमने जो किया था सीरीज में, उसमें चारों ऐड हो गए थे वोल्टेज और करंट वही रहा था। सीरीज में करंट वही रहता है और वोल्टेज बढ़ जाते हैं। अब हमने कर लिया पैरेलल कनेक्शन, इसमें आप देख सकते हैं कि वोल्टेज 20 हैं और अब हम इसके करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, चेक करते हैं कि वो कितना है। तो मैं जैसे ही इसको नेगेटिव इसका कनेक्ट कर दिया इस टर्मिनल पे, अब पॉजिटिव दूसरी साइड पे लगाऊंगा तो एक स्पार्किंग आएगी। क्योंकि अब मैं कर रहा हूँ शॉर्ट सर्किट करंट चेक करने के लिए। स्पार्क आई, आपको फील हुई होगी। तो अब चारों के मिला के इस टाइम जो एम्पियर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 21.56। एक पैनल के एम्पियर थे 8.5 एम्पियर, अब चारों को मिलाने के बाद जो है वो 21-22 एम्पियर आ रहे हैं, तकरीबन 5.5 एम्पियर एक पैनल के आ रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा कि सीरीज पैरेलल कनेक्शन जो है वो किस तरीके से होते हैं। मैंने आपको अच्छे से एक एक चीज़ करके आपको दिखाई, डेमोन्स्ट्रेशन विजुअली आपको दिखाया कि किस तरीके से सीरीज कनेक्शन होते हैं। और सीरीज कनेक्शन में हमेशा वोल्टेज इंक्रीज होते हैं, एड ऑन हो जाते हैं आपस में, और जो करंट होता है वो वही रहता है। और पैरेलल जब कनेक्शन करते हैं तो पैरेलल में क्या होता है कि एम्पियर करंट इंक्रीज होता है, एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ करंट, तो करंट इंक्रीज होता है पैरेलल में और वोल्टेज वही रहता है। तो जब मैंने चारों 150 वाट के पैनल को आपस में सीरीज किया था तो इसके एक के वोल्टेज थे 21 पॉइंट समथिंग, तो चारों को मिलाने के बाद इनके वोल्टेज अराउंड होने थे 85 के करीब। तो जब मैंने इनको चारों को आपस में मिला के इसके वोल्टेज चेक किए थे तो वो आ रहे थे 81 पॉइंट समथिंग। तो सीरीज में इन चारों पैनल्स के वोल्टेज आ रहे थे, ओपन सर्किट वोल्टेज आ रहे थे 81। उसके बाद हमने किया इसको पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में आपस में सारे पॉजिटिव आपस में मिला दिए चारों के, और चारों के नेगेटिव आपस में मिला दिए। तो उसके बाद जब हमने इसके ओपन सर्किट वोल्टेज चेक किए थे तो वो थे 21 पॉइंट समथिंग या 20 पॉइंट समथिंग वोल्टेज थे, इसके 20 से ऊपर वोल्ट आ रहे थे इसके।
तो इसके मतलब है एक सिंगल पैनल के वो वोल्टेज दिखा रहा था, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, इसमें वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगा पैरेलल कनेक्शन में। उसके बाद हमने चारों को जो है वो चारों का शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया था, शॉर्ट सर्किट करंट चेक किया, तो वो आ रहा था 22 या 21 पॉइंट समथिंग इतने एम्पियर आ रहे थे। तो चारों पैनल का जो एम्पियर थे, करंट थे, वो आपस में ए डाउन हो गए, वो शो कर रहा था 21 पॉइंट समथिंग। गर्मियां हो तो हो सकता है ये 25, 26, 27 पे भी चला जाए। तो दोस्तों आपने देखा कि सीरीज़ कनेक्शन किस तरीके से होते हैं और पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। आई होप कि आपको समझ भी अच्छे तरीके से आ गई होगी। मैंने अपनी बेहतरीन कोशिश से जो है ना आपको समझाने की कोशिश की, बल्कि दिखा के समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से बैटरीज भी सीरीज पैरेलल सेम इसी तरीके से होती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर और ज़्यादा वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।